हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस, हम करने वाले हैं नो कॉन्टेक्ट के ऊपर रीडिंग। देखेंगे आप दोनों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कब तक खत्म हो सकता है, आप दोनों का रीयूनियन कब तक खत्म हो सकता है। ये जनरल रीडिंग होगी, सभी साइंस के लिए होगी, ठीक है, जितने भी जोडिक साइंस है। और टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी गाइस आपके साथ रेजोनेट जरूर करेगी, ठीक है। तो आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में आप तो भी देख सकते हैं। और जब तक हम कार्ड शफल कर रहे हैं, आपको पॉजिटिव हो जाना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है, अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है, ठीक है गाइस। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल गैब्रियल, प्लीज हमें डिवाइनली गाइड कीजिए। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर कब तक उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कब तक उनके साथ रीयूनियन कर सकते हैं। ऊपर वाला जितने भी बिछड़े हुए हैं सबको मिला दे। जो लोग मैरिड हैं उनकी अच्छी फैमिली बन जाए, जो लोग सिंगल्स हैं उनके पार्टनर से उनकी शादी हो जाए, जिनके घर में फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो सब ठीक हो जाए, जिनके घर में लोग बीमार हैं वो सब बिल्कुल ठीक हो जाए। ओके, देख लो भाई क्या कार्ड है। टेन ऑफ कप्स, मुझे लगा मैंने डेक ही पूरा उल्टा पकड़ा हुआ है। ओके, ये कार्ड आना चाह रहा है, ठीक है। टेन ऑफ सॉर्ड्स, ओह माय गॉड, ये क्या किया आपके पार्टनर ने, अपने आप को इतना हर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार करते हैं आपसे, तो आपसे दूर क्यों गए फिर वो। अब आपको मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर बहुत ज्यादा, देखा, दौड़कर आपके पास आना चाहते हैं आपके पार्टनर। ओके, चलिए। ओ माय गॉड गाइस, बॉटम में है फोर ऑफ वैंड्स। फर्स्ट कार्ड हमारे पास टेन ऑफ कप्स, सेकंड कार्ड बॉटम में कार्ड आया हमारे पास फोर ऑफ वैंड्स, ब्यूटीफुल एनर्जी, हम इसको यहाँ पर रखने वाले हैं। ओके गाइस, आपके पार्टनर इस टाइम पर आपसे शादी करने के लिए सोच रहे हैं। अगर आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, आपके साथ बातचीत भी नहीं है, तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपके पार्टनर आपको मिस नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर मिस तो कर ही रहे हैं आपको, लेकिन आपके साथ शादी करने का बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर इस शादी को टूटने नहीं देंगे, आपके पास लौट कर ज़रूर आएंगे, क्योंकि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बिना बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। जिस थर्ड पार्टी के लिए, वो कोई भी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, वर्क हो सकता है, फाइनेंशियली आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, या फिर वो किसी और के साथ चले गए हो, तो इस वक्त वहाँ से उनको धक्के मिले हैं गाइस। उनके साथ बहुत बुरा धोखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ धोखा किया था। वो बड़े प्यार से चले गए थे थर्ड पार्टी के पास में, लेकिन अब आपके पास आना चाहते हैं। थोड़ी सी स्लो है एनर्जी, लेकिन आपके पास आना चाहते हैं। आपके पास भाग कर गए थे आपसे, आपको छोड़ कर गए थे, अब वो इसी स्पीड से वापस आना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, आपके पास आने की तैयारी कर रहे हैं। थर्ड पार्टी से भागकर, इस सिचुएशन से निकलकर आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं भागकर, जब से आपके मुंह फेर कर आपसे दूर हो गए थे। वो आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, ये ऑफर होगा शादी का गाइस। टेन ऑफ कप्स, फोर ऑफ फ्रेंड्स, ये शादी का ऑफर होगा जो आपके पार्टनर खुद आगे होकर आपको देंगे। आपके पार्टनर आगे होकर आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों डेट पर भी जाएं। आपके पार्टनर गाइस किसी तीसरे इंसान से बातचीत कर रहे हैं आप दोनों के रिश्ते को लेकर। हो सकता है आप दोनों के जो कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो जो आप दोनों को जानते हो, और उनसे बात कर रहे हैं आपके पार्टनर, अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं। वो अपनी फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी में चले गए थे, वहां से वो लौट कर आए हैं, अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं कि आपको अपने घर वापस लेकर जाएं। हद से ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं इस वक्त आपके पार्टनर गाइस। बहुत ही प्यारी एनर्जी है। टेन ऑफ कप्स और फोर ऑफ फ्रेंड्स साथ बहुत कम आते हैं, और ये दोनों कार्ड आपके लिए आए गाइस। तो आप नेगेटिव बिल्कुल मत होइएगा। इस वक्त आपके पार्टनर, मेरे पास कार्ड में ज़्यादा कुछ कहने के लिए है ही नहीं है आज। सच्ची इतनी प्यारी एनर्जी आई है कि आपके पार्टनर सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपके पार्टनर ऐसी सिचुएशन से निकले हैं। ये कार्ड आना चाह रहा है। सेवन चक्र, आर्कएंजल यूरियल, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आएंगे एंजल्स। आपके पार्टनर ने इस वक्त आपसे कुछ दिन रुककर बात करेंगे, वो इसलिए क्योंकि वो जिस जगह वो इस सिचुएशन से निकल रहे हैं, वो इस सिचुएशन में है अभी। इस सिचुएशन से निकलेंगे तभी तो आपके पास आएंगे, रोतू सी शक्ल लेकर बिल्कुल नहीं आएंगे। आप देखिएगा बहुत अच्छा कुछ होने वाला है।
तो सिंगल जिन उनकी शादी होने वाली है, जो मैरिड है ना वो अपने पार्टनर से जल्दी उनके घर में जाने वाले हैं, चाहे वो आपके इन लॉज हों, चाहे वो समाज हो, कुछ भी हो, उस सबसे आपके पार्टनर जब भाग कर चले गए थे वापस आएंगे। नंबर 27, किसी किसी की एज 27 हो सकती है, 22 हो सकती है, 24 हो सकती है। ओके, मैं ये वाला कार्ड। हाँ गाइज, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से निकल कर आपकी तरफ लौट कर आएंगे, पॉजिटिविटी आएगी आपकी लाइफ में, थर्ड पार्टी से निकल कर आपके पार्टनर आपके पास लौट कर आएंगे, तभी तो आपसे शादी करेंगे, अपनी शादी को टूटने नहीं देंगे। सेकंड चक्र आर्कैंजल एरियल आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। गाइज आपको ना मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। नंबर 36, आप मैनिफेस्ट कीजिए गाइज। अगर आप उदास हो रहे हैं ना बहुत ज़्यादा, स्माइल लेकर आइए अपने फेस पर और आप सेल्फ लव कीजिए, एंजल्स आपके साथ हैं। देखिए मैंने क्या कहा था, आप मैनिफेस्ट कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ तो कीजिए, आप हीलर ऑफ द एजेस। गाइज मैं ये चीज़ मैंने नोटिस की थी पर मुझे लगा था आप लोग समझेंगे नहीं। गाइज आप लोगों के हाथ में बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पर भी दिख रहा होगा आपको एक क्रिस्टल बॉल और यहाँ पर भी पॉजिटिविटी आपके हाथ में है। आप कितना पॉजिटिव रहते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस रिश्ते में। एंजल्स भी यही बताना चाहते हैं कि पॉजिटिविटी लेकर आइए, अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के ऊपर, अपने दिल के ऊपर रखकर बहुत पॉजिटिव सोचिए इस रिश्ते के बारे में। दोनों हाथ नहीं रख सकते तो लेफ्ट हैंड रखिए और पॉजिटिव सोचिए, मैनिफेस्ट कीजिए अपने पार्टनर को, अपने रिलेशनशिप को। फाइनेंशियल इशूज़ से आपके पार्टनर ध्यान दे रहे हैं, फाइनेंशियल इशूज़ आप लोगों के ठीक हो सकते हैं, आपके आपके पार्टनर के, या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ फाइनेंशियल इशूज़, हाँ कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हुए होंगे उनको, यहाँ तो कहीं से उनका रुका हुआ पैसा आया होगा। यिंग एंड यांग, कल भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये कार्ड ज़रूर आया था, और जहाँ तक मुझे याद है आप दोनों 22, आप दोनों का रीयूनियन होगा बहुत जल्दी। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं और आपके पार्टनर को ये फील हो गया है कि आप उनके सॉलमेट या ट्विन फ्लेम है। कहीं ना कहीं से उनको ये चीज़ पता चली है, खुद उनको ये चीज़ फील हुई है कि एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ मैं कहीं पर भी चले जाऊँ उसके बिना मैं टूटा हुआ ही रहूँगा, वही मुझे मेरा पार्टनर कंप्लीट करता है। ठीक है गाइस, इसलिए मैं कहती हूँ कि नेगेटिव बिल्कुल मत होइए, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा, क्योंकि ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में होते हैं, हम किसी कार्मिक में होते हैं तो भी हमें दूर होकर फिर मिलना होता है। ठीक है गाइस, तो ये थी आज की हमारी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत सारा ध्यान रखें, मेडिटेशन कीजिएगा, आज के लिए आपके लिए गाइडेंस है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कीजिएगा, सेल्फ लव कीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।